बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आर्यन खान एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो इस वक्त टाइम हो रहा है रात के 8:21 और मैंने सुबह व्लॉग बनाया है, ठीक है। तो उसमें मैंने इंट्रो वगैरह नहीं डाला था, मतलब कि अपना स्टार्ट भी नहीं बोला। जो मैंने काम किया पहले मैंने वो शूट कर लिया था। तो अभी जस्ट इस वीडियो के बाद आपको देखोगे जो मैंने आज सारा दिन किया। असल में जो मेरा पार्सल आया था कल, वो मैंने जो वॉल क्लॉक है वो अपने रूम में इंस्टॉल की, वो लाउंज में सॉरी इंस्टॉल की। तो वो बड़ी अच्छी लग रही है, मतलब कि उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और कॉन्ट्रास्ट येलो वॉल से जो आगे ब्लैक उसके जो लग रहा है ना कॉन्ट्रास्ट, वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो अब नेक्स्ट क्लिप होगा ना, तो आप उसमें मैं आपको सारा दिखाया कि कैसे इंस्टॉल की, क्या सारा कुछ किया, कैसे मेजरमेंट्स ली, सारी सारा कुछ मैंने आपको उसमें मैंने उसमें रिकॉर्ड किया। तो चलो इस आप देखो वो क्लिप और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। यार यहाँ पे अभी मेजरमेंट ली जा रही है, इसके लिए उसके मैंने एक प्लास्टिक टाइप रूलर दिया था उसके उससे। तो अभी इसका एक अभी हमने इसका ये मेजरिंग टाइप से इसका सेंटर निकाला था, और अब जो है इसकी जो है वो हाइट निकाली है कि कितना जो है वो कितना इसकी मशीनरी लगेगी और कितना ऊपर तक जाके लेटर आएगा। तो आप देखो सर, सर मैं दिखाऊंगा कि कैसी लगती है। तो चलो फिर ये साथ साथ आपको दिखा दूँ। सेंटर है क्या? सेंटर तो नहीं लगा, तुमने निकाला सेंटर, मैंने नहीं निकाला। ये लाइटिंग सेंटर नहीं होंगे, ये सेंटर नहीं होंगे, इसमें तो ये सेंटर होगा, लाइट होंगे साथ में देखा है। नहीं ये सेंटर तो नहीं है, इधर से क्या है, ये बतली सेंटर ही है। तो यार यहाँ पे अपनी मशीन और ये नीडल जो है वो लग गई हैं। ये देखा ये अभी शकील लगाया और ये इसके ऊपर ऐसे करके ये लग गई है। तो अभी थोड़ी ये सारी एडजस्टमेंट वगैरह होनी है, जैसे कि ये है, ये थोड़ा सेट वगैरह होना है अभी। तो अब बस एक डिजिट लगाएंगे पहले और उसके अकॉर्डिंगली सारा कुछ सेट होगा। तो चलो ये लगता है और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। काफ़ी जो है वो इजी नहीं है हर चीज़ की, अगर ऐसे लगाएंगे तो यार कोई टेढ़ी लग जाएगी, कोई गलत लग जाएगी। तो इसको जो है ना बिल्कुल ठीक तरीके से लगाना पड़ेगा ताकि जो है ना बिल्कुल सीधा और सही भी लगे। तो ठीक है, अभी जस्ट जो है वो इसको लगाते हैं और इसका डिजिट्स थोड़े से लगाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी लग रही है। यार यहाँ पे थ्री जो है वो लग चुका है और बाकी अभी सारे डिजिट्स जो है वो लगनी है। डबल टेप से जो है वो सारी उस पर लगाई जा रही है डिजिट्स पर टेप, जो जिसके बाद चिपक जाएंगी। और मैं ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ तो ये काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग लग रही है। हाँ ये तो यार कहीं भी नहीं जाएंगे और ये बड़ा अच्छा लग रहा है इसके साथ थ्री। और ये ना पीछे येलो ब्लैक येलो वॉल के साथ ना ब्लैक कॉन्ट्रास्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, अभी जो है वो बाकी सारे लगते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब 9 भी लग गया और अब जस्ट 12 रह गया और उसके बाद जो है बाकी 4, 5 वगैरह भी रहते हैं। तो मैंने साथ साथ टाइम लैप्स लगा दिया था, तो टाइम लैप्स भी आप इंजॉय करो, ठीक है। और जब ये इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा टाइम लैप्स भी, फिर आपसे मैं मिलता हूँ, आपको दिखाऊंगा कि कैसा लग रहा है। जो वॉच है वो पूरी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा।
और ये कैमरे में जो है ना इतना कलर से ही पता नहीं लग रहा क्योंकि पीछे लाइट चल रही है, लेकिन ये इसका जो येलो कॉन्ट्रास्ट है ना, मैं कोशिश करूँगा थोड़ा एडिटिंग से अगर ओरिजिनल वाला जो लुक है वो आ सके ना, तो मैं कोशिश करूँगा वो लेके आऊँ, क्योंकि अभी लाइट चल रही है जिसकी वजह से ना वो बैकग्राउंड का सही कलर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन ये ओवरऑल बहुत ही प्यारी लग रही है और बहुत ज़बरदस्त, मतलब फुल फिट है और बहुत अच्छा, मतलब ना ये क्वालिटी मिली है 100%। ठीक है, तो अब बस इसकी मशीन में सेल डालते हैं और फिर ये जब ऑन होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी लग रही है ये, मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कमरे की पूरी लुक बदल देना, और ये तो बहुत ही अलग लग रही है। ठीक है, बस अब यही था, मैंने कहा दिखाऊंगा आपको, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया बिल्कुल सीधी, कोई गलत नहीं लगा, बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब मिलता हूँ मैं आपसे कोई बात नहीं। ये अच्छी लगे होगा कि मैंने किस तरह जो है वो उसको इंस्टॉल किया, सारी मेजरमेंट्स वगैरह लेके, इसमें तकरीबन मुझे 1 से 2 घंटे लगे। ठीक है, लेकिन जो है ना वो वर्थ इट था। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट निकला और क्लॉक भी बहुत अच्छी लग रही है, उससे जो रूम की पूरी जो है ना एक लुक जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। तो आज का ब्लॉग जस्ट उसमें बस मैंने यही दिखाया कि वो क्लॉक कैसे इंस्टॉल हुई, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि वो ज़्यादा लंबा हो चीज़ें। ठीक है, तो ये बहुत बेहतर था। इंशाल्लाह अब मैंने ये कल वीडियो आएगी तो इससे परसों मैंने जाना है कॉलेज, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग कॉलेज का होगा, थर्ड ईयर का इंशाल्लाह। तो होप करता हूँ यार आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो यार लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, मुझे वहाँ जाकर भी फॉलो कर लो। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय और स्टे सेफ।